हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं आ रहे थे, उसके कुछ पर्सनल रीजन था तो उस कारण नहीं आ रहे थे व्लॉग। तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। अब इंशाल्लाह डेली व्लॉग आते रहेंगे। तो फिलहाल सीन यूँ है कि बारिश शुरू होने वाली, बारिश शुरू हो चुकी है थोड़ी बहुत, साथ में तूफान है। बताया जा रहा है कि एक समुद्री तूफान है जो अभी गुजरात में एंटर हो चुका है, बिपरजॉय नाम ऐसा कुछ है। तो वो बताया जा रहा है हमारे यहाँ पे 15 या 16, आज तो 15 या 16 इस तरह तारीख को आ सकता है। तो तूफान आए उससे पहले जो हमारी तैयारियां वो सब कर लें। टांके में पानी नहीं था तो टांका पूरा भर दिया ताकि बाद में कोई दिक्कत वाली बात ना हो। तो फिलहाल हम सब तूफान का इंतजार कर रहे हैं कि बचपन से कभी ज़्यादा तूफान नहीं देखा है। तो गाइस फाइनली बरसात शुरू हो चुकी है, साथ में तूफान भी शुरू हो चुका है। आपको नीचे दिख रहा होगा बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, पेड़ एकदम तेजी से हिल रहे हैं। तूफान लगभग जो समुद्री तूफान था उसका 25% भाग हमारी तरफ आ चुका है। मेन तूफान आना अभी बाकी है। न्यूज़ में तो आ रहा था कल या परसों तक आ जाएगा। अल्लाह रहम करे सब खैर हो। तो फिलहाल 2-3 दिन से थी गर्मी, तो जो बरसात हुई तो इसमें कर रहे हैं एंजॉय। तो गाइस फिलहाल शुरू हो चुकी है बारिश, पहले था तूफान अब शुरू हो चुकी है बारिश। बारिश जोरदार है, हमारे पूरे कपड़े भीग गए हैं। मस्जिद में आ रहे थे नमाज पढ़ने जोर की, एकदम से बारिश आ गई तो जल्दी जल्दी भी मस्जिद में पहुंचे हैं। काफी ठंडा माहौल हो गया है, सुबह तो गर्मी थी मगर बारिश के बाद अब माहौल बढ़िया हो चुका है। तो अभी जाते हैं मस्जिद में और जोर की नमाज अदा करते हैं। ये है गांव का नजारा, अल्हम्दुलिल्लाह जोर की नमाज अदा कर लिए। तो अभी आ चुका है तूफान, मगर अब तो पहले तो रेत उड़ रही थी मगर थोड़ी बारिश होने के बाद 10-15 मिनट बारिश चली तो जमीन पूरी गीली हो चुकी है, सिर्फ हवा लग रही है और तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहले तो रेत उड़ रही थी, कान नाक सब रेत से भर गए थे, अब बस ठंडी ठंडी हवा लग रही है। कुछ भाई अब सामने बैठे हैं तब उनके पास जाते हैं और थोड़ी गपशप लगाते हैं। तो गाइज फिलहाल आए थे गांव के हॉस्पिटल में, यहाँ पे कुछ काम था, कुछ टेबलेट लेनी थी मेडिसिन, तो वो लेने आए तो टेबलेट ले लिए। अब जा रहे हैं घर पर। बादल काले काले छाए हुए हैं, बरसात लगभग आ सकती है रात को, अभी तो नहीं, अभी तो एकदम मौसम सुहाना हो चुका है मगर चांसेस हैं बरसात के आने के, क्योंकि दो तीन दिनों से ये न्यूज़ जो चल रही है तूफान की, उसमें कह रहे हैं कि बारिश की संभावना है, तूफान की संभावना है। मैं था शॉप पर आटा लेने, घर पर आटा ख़त्म हो गया था, गेहूँ तो पड़े थे मगर 2-3 दिन से लाइट सही नहीं आ नहीं रही थी तो आटा पीसा नहीं। तो आज घर पर आटा नहीं था तो घर से कॉल आया तो आटा लेके आना, तो अभी लेना है आटा। अब जाते हैं घर पर और आटे को दे के आते हैं। ये रही शॉप सामने, अल्हम्दुलिल्लाह गाइस। तो फिर से आ चुकी है बारिश धुआंधार। खूब बारिश है, साथ में तूफान भी है, मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो चुका है। तो गाइस फिलहाल आया हूँ कज़न के घर पर, दिन के बजने वाले हैं 11:15 है मगर बरसात कंटिन्यू चालू है, बंद होने का नाम भी नहीं ले रही है। ये बिपरजॉय का ट्रेलर है हमें लग रहा है, बिपरजॉय की बरसात इससे भी खतरनाक है, अल्लाह रहम करे। आप देख सकते हो अभी बरसात चालू है, पानी
पानी अंदर की तरफ आ रहा है हवा के कारण, मैंने सोचा आपको अपडेट देता चलूं। आज है जुम्मा का दिन, तो आप सभी को जुम्मा मुबारक। बस आज बंद हो फिर जाते हैं जुम्मा की नमाज अदा करने। अभी तो टाइम है 2 घंटे बाकी हैं, मगर बरसात फिर से तेज़ी से शुरू हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जुम्मा की नमाज़ अदा कर ली थी। जुम्मा की नमाज गांव के पास में जो दरगाह शरीफ थी वहां पर अदा की। तो अभी आए हाफिज़ गांव में, अभी एकदम मौसम साफ़ हो चुका है, रात से बारिश हो रही थी मगर अब एकदम मौसम क्लीन हो चुका है। सुबह से कंटिन्यू बारिश चल रही थी। तो आज का व्लॉग, आज की जर्नी यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।